लो भाई छोरे आज तो सूते उठते प्लान बना देता हूँ। मैं चाल लुगाई चल लांगे लोधी गार्डन में हांड के आवांगे। एक नंबर का बना रखा भाई जी साज आ हांडन में पर लुगाई मना कर देती है भला मेरी नींद मत खराब करे। एकला जान का तो मेरा भी जी घाट करा था भाई गोली को छेड़ देता मैं गोली चल रहा है कि भाई गोली ने भी हूँ आकर के भी नाड़ सी मार देता मां पे पड़े रहो खट्टम कोई बात ना मैं जाऊंगा एकला ज्योति का घर तक जमा 1.5 किलोमीटर पे गाड़ी ठाकर निकल लेता हूँ। मैप लगा लिया नक्शा में सीधा पहुंच जाता हूँ लोधी गार्डन में भाई कसूती रंग बिरंगी हरियाली हो रही थी अड़े अंडा फ्राई करके नेचर का मजा ले रहा था भाई। मिल जाते हैं दो बहुत ही प्यारे फ्लोर प्लाज हम भी सार आपके सारे लोग देखते हैं भाइयों के साथ आए लो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ फिर निकल लेते हैं आगे। बाकी आज की आधा पौने घंटे की अंडा फ्राई में एक बात मेरे क्लियर हो जाती है बिना किसी मानस के अंडा फ्राई में भी घना मजा नहीं आता भी उकारे बढ़िया एक मानस तो होना ही चाहिए। मजा तो आ नहीं रहा था पर मैं भी जल्दी वापस निगाह मखा 10-5 मिनट में उल्टा चला गया तो भाई लुगाई जाते बांस का मार देगी बिला मानस गया था अंडा इकन के रहा 3-5 मिनट में आ लिया। घड़ी ही देख कर जब भाई पौने घंटे का सारा टाइम हो लिया जब बाहर निकल देता हूँ दिख जाता है नारियल पानी वाला मखा और मैं करा ना करा नारियल पानी तो पिए ले और मन ने तो भाई नारियल पानी छुलवा के पीना शुरू कर रहा था घर आ जाता लुगाई का फोन बिला मानस कितनी बार में होगा चा चढ़ा रखे कदे उबड़ उबड़ पागल हो जा बस फिर के था लंडा तो पुचकार ये चाहो था मखा लुगाई तेरा फोन आ गया ना तो मैंने कसूता जी सारा था हंडन फिर मैं आ जाता हूँ चल तेरी चाह खराब ना हो जा। पहुंच जाता हूँ घर जाते लुगाई ने चाह बना के दे दी गोली ने अपना हुक्का तैयार कर लिया बाहर बालकोनी में बैठ जाते कसूती छिड़ी छिड़ी हवा चल रही थी चाय का हुक्का का एंजॉय लेते एक साथ भीतर अपना लुगाई पता भी काम का जुट रही थी ज्योति आ जाती है पूछने के लिए बिला जी के लोग ब्रेकफास्ट में मखा ज्योति जोतरा जी कर वो बना ले तेरा सारा बेरा हमने के पसंद है। ब्रेकफास्ट का नाम सुनते हुए बढ़ जाता हूँ बाथरूम के अंदर मैं नहा धोई करता हूँ राम के नाम लेता हूँ ज्योतपति करता हूँ बाहर आके देखता हूँ लुगाई ने अपनी नई दुकान खोल रखी है बड़ा तेल लाओ थी दोनों का रह मखा लुगाई जाते रहे तेल लाने वाला काम करना था तो मेरे तीन बता दे मैं क्या तना किया और मैं भी तेल लुवा लूर कई दिन हो लिया मसाज करवाए। यह बात सुनते लुगाई उल्टी है मेरे सिर पर चढ़ गई बिला तेरे के तोड़ थी क्यों खाम का बाज के बाथरूम में बड़ा मैं समझ जाता हूँ गलत गाड़ी का टिकट कटा लिया मसाई पांडा छुटाता हूँ लुगाई इतने में अपने ज्योति ने एक नंबर के तीन कुने परामठे तैयार कर दिए थे साथ में आलू की सब्जी पे ब्रेकफास्ट करके बाहर जाते तो कसूता नजारा देखने को मिलता है। पड़ोसियों का बालकोनी के एसी के ऊपर एक कबूतर बैठा था भाई नीचे बैठी थी बिल्ली बतड़ा दे रही थी कुर्सी कुर्सी के ऊपर धर के बिल्ली मौसम बनाती है पर कूद नहीं पाती आखिरी में बिल्ली न्यूका का पंडा छुटाती है भाई कबूतर का तो खाज लाग रही है मन्ने को नहीं खाना यो भाई घनी आती है हम जो सीन देखते हैं कसूता मजा आ जाता है। टाइम हो लिया था 11:30 बजे का हम लोग निकलने का प्लान बनाते हैं मखावे चाल लुगाई चल लांगे हमारे एक बहुत ही प्यारे साडू साबर साली साई बारे तीन नजफगढ़ में मखावड़ा चल लांगे उनसे फेट के आवांगे सारा सौदा सप्ताह गाड़ी में धरकर निकल लेते हैं फिर लुगाई ने रास्ते में बताया बिला मानस पासली बार नजफगढ़ गए थे तो कई कमेंट आए थे बिला जी आप हमने बता देते फेटा फेटाई कर लिया हमें ओहो मखा लुगाई या बात तो तने एक नंबर की याद दिवा दी मैं तुरंत एक स्टोरी बनाता हूँ फेसबुक पे इंस्टा पे पोस्ट कर देता हूँ मखावे यान लग रहा है जिस भाई बहन ने फेटना हुआ जी हो रास्ते में लुगाई निबले की मैं लेके भी चलना है खाली हाथ की जाओगा मां चाल के मिठाई की दुकान पर मिठाई ले लेंगे पर लुगाई मना कर देती है बिलान मिठाई कौन ले उनका परिश्रम मना भाई फ्रूट लेके चल लेंगे। रास्ते में लुगाई ने दो तीन जगह गाड़ी रुकवाई भाई एक जगह बिला खराब फ्रूट मिला फिर दूसरी जगह लेके जाते हैं वहां से बढ़िया छाट के फ्रूट लेके निकल लेते भाई सीधे पहुंच जाते हम लोग उनका घर बार गेट पर हमारी बहुत ही प्यारी बेटी इंतजार करने लाई थी बिला मौसा सवेरे की बाट देखू थारी इतनी बार क्या था करी मां कोई बात नहीं बेटा देर आई दुरुस्त आई बतला लेंगे बाबा बैठ के इतमानते मारा तो पहले अभी आड़े 3-4 गेस्ट आए बैठे थे प्यारी साड़ी की माता जी आ रही थी बड़ी बेब्यारी थी सबके साथ राम राम श्याम श्याम करते हैं उसके बाद ये निकलने का प्लान कर लेते हैं बिलाजी हमने चालन दो मखान न्यू क्यूकर जैसे ही हम आए आपने चालन का प्रोग्राम बना लिया बिलाजी थारिये बाट में बैठे थे मिल फेट लिए हमने चालन ताली साई बाकी माता जी बड़ी बेबे निकल लेते हमारी मानतान करके बे मानतान को ऊपर वाली गोज में डालने की कोशिश करता हूँ पर ऊपर की तो गोज जनी थी लुगाई को बताता हूँ मागत इसी टी शर्ट मत ले लिए मारते भी छोरी ने फटाफट खाना खुआ दिया टाइम हो गया था 4:45 बजे का मैं चाल बेटा चल लांगे आपने मीटअप दर रखी भाई लेट नहीं होना किसी भी हाल में भाई बाट देखते पाओगे अपनी कसूती डाले मीटअप की जो लोकेशन दर रखी थी इनके घर तक लगभग 5-4 मिनट की दूरी पर थी टेम तो भाई 3-4 मिनट पहले हम लोग पहुंच जाते हैं कई भाई बहन अड़े खड़े होकर बाट देखने लग रहे थे पहुंचते सारे भाई बहन ने राम राम श्याम श्याम करता हूँ भाई हाथ मिलाता हूँ गले मिलता हूँ उसके बाद घर परिवार की पूछते हैं बहुत से भाई बहन थोड़े पहुंच गए थे पर कई भाई बहन इसे थे जो कम में फंस रहे थे जो आ नहीं पाए भाई उनने दूसरे को दोबारा अपनी वीडियो कॉल पर बातचीत करा दी मां कोई बात नहीं भाई भाई कल नहीं आ पाए तो आगे फेटांगे 5-4 भाई थोड़े ऐसे भी पहुंच गए जो ड्यूटी ने आधी छोड़ के आ रहे थे भाई एक तो भाई कंडक्टर था बस का बिला जी बस भरी खड़ी है मैं लेकर आया मखारा गलत काम कर दिया भाई चला जा फटाफट आधा पौने घंटे की मीटअप करने के बाद भाई सारे भाइयों को हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ भाई इतना कीमती समय काट के आप मेरे से मिलना है बार बार धन्यवाद है ईद तो बीमार हो रही है आज तो मौका है देख देख सर चल तू बता दे जो मैं देवर बता मन गवा थोड़ी ना जीजू कह दो एक अपनी ज्योति चढ़ते कहते ज्योति कही एक मैं जीजा
दी पसली बात रिकॉर्ड दूंगा मैं, आओ भी जी जान रखूंगा इसमें। वापस पहुंच जाते हैं साड़ी साहब आगे घर, यहाँ बैठ के अपने हादसा बोली बतलाई करते हैं। जो हमारे साडू साहब थोड़ी देर बीमार फील कर रहे थे अपने हादसा बतलाई में, उनका भी दिल बहल जाता है। टाइम हो लिया था लगभग 6:30 का, मखा जी हमने आज्ञा दे दो दूर लेकर नामला लंबा सफर है, 3-4 घंटे आगे भी लगने पर ये मना कर देते हैं। ब्लैक स्पेशल आइटम मंगा रहा क्या आप खाते रहे? स्पेशल आइटम का नाम सुनने के बाद भाई अपना गोली जीभ सीधा अपने लग जाता है। बोला रुक जा 10 मिनट में क्या आग लग रही है, ठीक है भाई तू कहता डेट जावा। हमारी प्यारी बेटी ने नजफगढ़ के सबसे ज्यादा फेमस मोमोज मंगा रखे थे भाई, कोई ढोल के लाल पीले हरे सारे मोमोज खाने के बाद मखाई तो आज्ञा दे दो। साड़ी साहिब ने मानता ने पकड़ा दी भाई, गाल के गोज में लेकर लेते हैं। लकड़न लागे तो भाई सौली साहब बने कई डाल के फ्रूट भी मारे गाल दिए, बोले इतने फ्रूट आ रहे हैं खाए कौन सा सारे खराब होंगे, मैं कोई बात ना मारे गाल दो बस सारे खावांगे। 2-3 रुपए बिहानी जाओ थी भाई, रास्ते में एक जगह रुक के होटल पे हम लोगों ने बाय कर दिया, आपस में यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत ही प्यारे फ्लोर है, फैमिली पे सबके साथ आए लो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ। इतना मैं आ जाता अमरीका था, फेसबुक वाले भैया का फोन पिला जी इस हफ्ते के आपके अगले विनर अमित कुमार भाई 819 पॉइंटों के साथ है। अब 2-3 रुपए को बाय करके घर के लिए निकलने की तैयारी पकड़ते तो गोली ने अपनी नई लाइट दिखा दी, बोला मेरी लाइट देख लो लाल लीली। मखा भाई गोली एक नंबर की लाइट लगवा के आज जी सा आ गया, निकल लेते सीधे पहुंच जाते हैं घर। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, सारे बाण भाइयों ना जीतराड़ भाई की राम राम।